ग्वालियर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां चोरी के शक में बिना एफआईआर के युवकों को पकड़कर पीटने पर दो युवकों की तबीयत बिगड़ गई। अब युवकों का अस्पताल में इलाज जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर में चोरी के शक में जनकगंज पुलिस गोल पहाड़िया के दो युवकों को थाने लाई। पुलिस ने तीन दिनों तक इन युवकों को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनकी हालत बिगड़ गई। पुलिस ने आनंद फानन में एक युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, दूसरे के हाथों में चोटें आई हैं, जिसे छोड़ दिया गया है। इसकी सूचना मिलते ही युवक के परिजन ने थाने का घेराव कर हंगामा कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने जांच की और तीन पुलिस कर्मचारियों को लंबित कर दिया है। अभी एक मामला संज्ञान में है, जिसमें कुछ परिजन का कहना है कि पुलिस ने किसी के साथ थोड़ी मारपीट की है, तो उसमें अभी हमने मेडिकल कराए हैं और आगे जो भी रहेगा उस हिसाब से जांच की जाएगी। हाँ, अभी कुछ सस्पेक्ट है, लेकिन अभी पूरी मामले की जांच होगी, उसके बाद ही स्थिति बताया जाएगा। बता दें कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने युवकों के परिजनों को दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।